हेलो किड्स एंड पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बच्चों को हेवी एंड लाइट कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। हेवी एंड लाइट, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पेरेंट्स आप बच्चों को घर पर ही बहुत आसानी से सिखा सकते हो। इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट भी बना के दे सकते हो, है ना। तो ये जो वर्कशीट है, ये बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगा हेवी एंड लाइट इस कंसेप्ट को लर्न करने में। इसके पहले के वीडियो में हमने बिग और स्मॉल कंसेप्ट सीखी है और टॉल एंड शॉर्ट सीखी है। उसके आगे आज हम हेवी एंड लाइट ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हेवी और लाइट क्या होता है तो हम इस चित्र से समझते हैं, ठीक है। इस चित्र में यहाँ पर क्या है बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पर एक बंदर है, यानी कि मंकी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मंकी है और यहाँ पर क्या है? ग्रेप्स, अंगूर है, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें अच्छी तरह से इसको देखना और बताना कि इसमें ज़्यादा भारी, है ना, ज़्यादा भारी वज़न किसका है। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मंकी है, बंदर है, ये अंगूर से क्या है? ज़्यादा भारी है, है ना। तो आप अंगूर को तो उठा सकते हो हाथ में, बंदर को नहीं उठा सकते, है ना। तो अंगूर से ये जो बंदर है, मंकी है, ये क्या है? भारी है। इसका मतलब ये क्या है? हेवी है। जो चीज़ भारी होती है उसको हम हेवी बोलते हैं, और जिस चीज़ को हम आसानी से उठा सकते हैं वो क्या होती है? लाइट होती है, है ना। तो मंकी क्या है? इसका हेवी वेट है, है ना। और जो ग्रेप्स है, अंगूर है, ये क्या है? लाइट वेट है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा भारी है और ये हल्का है, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर दूसरा पिक्चर है, यहाँ पर हैट है और यहाँ पर क्या है? एरोप्लेन दिखाई दे रहा है ना। तो एरोप्लेन और हैट में आपको कौन सा हेवी और लाइट दिख रहा है? बिल्कुल सही, आप हैट को अच्छी तरह से बिल्कुल उठा सकते हो इजीली, है ना। और ये तो एरोप्लेन है, हाँ, इसको तो आप बिल्कुल उठा ही नहीं सकते हो, है ना। तो दिखने से ही पता चल जाता है कि एरोप्लेन क्या है? हेवी है, और हैट क्या है? लाइट वेट है। वेरी गुड। तो इस तरह से पेरेंट्स आप बच्चों को अलग अलग पिक्चर्स बना के हेवी एंड लाइट ये जो कंपैरिजन की कंसेप्ट है बिल्कुल आसानी से सिखा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट पर अब आपको क्या करना है? आपको हेवी एंड लाइट पता चल गया है तो आपको करना है कलर द पिक्चर विच इज़ हेवी। इस चित्र में जो हेवी है उसको आपको क्या करना है? कलर करना है, ठीक है। एंड इन सर्कल द लाइट वन, और जो लाइट है उसको आपको क्या करना है? इन सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे चित्र में भी करना है। जो हेवी है, कलर द पिक्चर विच इज़ हेवी। तो हेवी पिक्चर को आपको क्या करना है? कलर करना है। और जो लाइट वन है उसको आपको इनसर्कल करना है। तो इस तरह से आज आपने हेवी एंड लाइट ये कंपैरिजन की कंसेप्ट सीखी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।